खरगोन जिले के बड़वा की एक्वाडक नहर में युवक युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है, जिसमें पुलिस पड़ताल चल रही है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक और युवती की लाश नहर में पड़ी है, जिसे गोताखोरों की मदद से निकाला गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि दोनों के हाथ आपस में बंधे हैं और मामला संदिग्ध लग रहा है, जिसकी विवेचना चल रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये नहर में बॉडी मिली, दो क्या मामला है पूरा? ये कल शाम की बात है, 4 और 5 के बीच में मैं एक पल्सर गाड़ी, मोटरसाइकिल और लेडीज़ के चप्पल, जेंट्स के चप्पल और एक मास्क और गाड़ी में चाबी लगी हुई थी। फिर उसके बाद में कहीं से हमने ऊपर सर्चिंग की, अंधेरा हो गया था। फिर हमने TI साहब को बताया कि सर सवेरे गोता लगाएंगे हम। सवेरे हम करीब 7 बजे आए तो 1 घंटे के मकसद के बाद में दोनों की डेड बॉडी मिल गई है। डेड बॉडी में लेडीज़ का दुपट्टा, जेंट्स और लेडीज़ को बंधा हुआ है। पुलिस को सूचना अभी सुबह कब करी थी? 7:30 बजे। क्या पता चला आपको कि कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ पता चला? उनके परिजन आ गए थे, वो हेमंत चौहान वो बताया है और इंदौर का बता रहे हैं उनके भाई। ठीक है। क्या मामला है सर, किस प्रकार की प्रथम दृष्टया जांच में क्या मामला आ रहा है? आज सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि बड़वा थाना अंतर्गत एक्वाडक जो बना हुआ है, उसमें नर्मदा की नहर में एक युवक और युवती की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर सूचना पर थाना प्रभारी बड़वा, SDOP बड़वा और FSL अधिकारी मुजालदा खंडवा से वहाँ मौके पे गए थे। उन्होंने देखा है, दोनों बॉडियों को रिकवर किया गया है और मर्ग जांच में दिया गया है। मतलब यार सर, दोनों के हाथ दुपट्टे से बंधे हुए थे सर? हाँ, प्रथम दृष्टया जब देखा गया तो पुलिस इंक्वायरी में दोनों के हाथ, एक का राइट हैंड और एक का लेफ्ट हैंड, आपस में दुपट्टे से बंधे हुए थे और युवक की अभी हाल ही में पहचान इंदौर पलानी नगर क्षेत्र का होना बताया गया है। उसका हेमंत चौहान नाम है और अभी युवती का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, वो आफ्टर इंक्वायरी बता पाई। तो लगता है प्रसंग से जुड़ा लगता है? इस बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है, ये तो इंक्वायरी की बात ही लगता है। कोई सुसाइड नोट वगैरह? नहीं, अभी तक ऐसा कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला है। मोटरसाइकिल और उनके शूज और चप्पल वगैरह जो घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर मिले। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो सामग्री है, जो उनके सामान है, व्यवस्थित रखे हुए हैं, वो बॉडी पर भी प्रथम दृष्टया कोई चोट नहीं थी। प्रेम प्रसंग तो हो सकता है सर, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पूछ पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।